एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने चीज़मॉल ऑनलाइन शॉपिंग से जो 4 प्रोडक्ट खरीदे थे उनकी क्वालिटी की मैं बताती हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो गाइस सबसे पहले मैं ब्रेसलेट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये ब्रेसलेट मैंने चीज़मॉल से खरीदा था और इनकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। ये ब्रेसलेट मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये ब्रेसलेट कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं आप। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ मस्कारा के बारे में है, लैश पावर मस्कारा। ये मस्कारा क्यों आई बेस्ट मस्कारा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है। ये मस्कारा मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, ये एक घंटे तक टिका रहेगा, लेकिन उसके बाद पूरे आँखों में ये मस्कारा वाटरप्रूफ तो है ही नहीं। वो वाटरप्रूफ मस्कारा ना तो फ़ायदा क्या मस्कारे का। लेकिन जो मस्कारा मैंने शॉप से लिया था, ये मस्कारा दिस मस्कारा इज टेस्ट मस्कारा, ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहा। ये मेरी पिछली वीडियो में है, आप चाहे तो जाके मेरी पिछली वीडियो देख ले जहाँ पर मैंने इस मस्कारा के बारे में आप लोगों को बताया है। ओके गाइस नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ फाउंडेशन ब्रश के बारे में है। ये फाउंडेशन ब्रश जो मैंने एक चीज़ मॉल से ख़रीदा है, बस ये फाउंडेशन ब्रश बहुत ही खूबसूरत है एंड देन ये बहुत सॉफ्ट सा है और ये फाउंडेशन को आसानी से अप्लाई कर देता है। और ये देख सकते हैं, अब मैं ये बता देती हूँ आइलाइनर के बारे में बता देती हूँ कि ये आइलाइनर सही है, अच्छा है, लेकिन मतलब इस आइलाइनर को मैं 10 में से 6 ही दूँगी, ज़्यादा बेस्ट आइलाइनर नहीं है। और ये वो आइलाइनर है जो मैंने शॉप से लिया था, तकरीबन ये दोनों बिल्कुल सेम है, इनके नंबरों में फ़र्क है। ये रेड कलर है, ये ब्लू है और ये नंबर आप देख सकते हैं, लेकिन ये आइलाइनर कुछ ज़्यादा ही बेस्ट है इससे। तो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया है चीज़मॉल की प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कैसे है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।